अगर मां बाप की इकलौती बेटी है तो मेहनत करे, मजदूरी करे, नौकरी करे, बच्चों को ट्यूशन करे, लेकिन बूढ़े मां बाप को कभी भूखा नहीं रहने देती। बीते लगभग 4 साल के कार्यकाल में पीएम मोदी ने महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाएं लाई। वहीं साथ ही साथ अपने विचारों से समाज को नारी शक्तियों से भी परिचय कराया। आज जब पूरा विश्व महिला दिवस मना रहा है, ऐसे में पीएम मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल से एक ऐसी नारी शक्ति का किस्सा शेयर किया है जो पीएम मोदी को प्रेरित तो करता ही है। आप भी इस नारी शक्ति का किस्सा सुन इनसे प्रेरित हो जाएंगे। कमाल है, कमाल है। ये कुंवर बाई हैं जिनके बारे में पीएम मोदी ने विश्व महिला दिवस के मौके पर अपने ट्विटर हैंडल से लिखा है, शी इंस्पायर्स मी। हालांकि कुंवर बाई अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अपने कर्मों से करोड़ों दिलों में जिंदा हैं और जिंदा रहेंगी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से करीब 90 किलोमीटर दूर धमतरी गांव में रहने वाली कुंवर बाई की कहानी देश की करोड़ों महिलाएं और युवाओं के लिए ऊर्जा का स्रोत बन चुकी है। धमतरी गांव की रहने वाली कुंवर बाई पीएम मोदी के स्वच्छ भारत मिशन की एक बड़ी सिपाही थी, जिन्होंने अपने 106 साल की उम्र में टॉयलेट बनवाने के लिए अपनी पाली 22,000 की बकरियां तक बेच दी थी। कुंवर बाई खुद तो जिंदगी भर वो पीड़ा झेली जो सालों पहले तक देश की करोड़ों महिलाएं घर में शौचालय न होने की वजह से झेलती थी, लेकिन जब वो अपने बहू और नातिन को खुले में शौच करने के लिए जाते देखती थी तो उन्हें दर्द होने लगा। और उसके बाद कुंवर बाई ने अपनी पाली बकरियां बेच गांव का पहला टॉयलेट बनाने का फैसला लिया। आज विश्व महिला दिवस के मौके पर कुंवर बाई की कहानी न सिर्फ पीएम मोदी को इंस्पायर करती है, बल्कि देश के करोड़ों महिलाएं और लोगों के लिए एक मिसाल है और नारी शक्ति की पहचान है। कमाल है।